फाइबर भी, प्रोटीन भी है और फिर पूरी डाइट भी है। बड़ा अच्छा इनका सेटअप है, सारा बड़ा नीट एंड क्लीन। अस्सलाम वालेकुम, बीना की दुनिया में मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? बाहर तो हो रही है बारिश और मैं हूँ इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मुझे अपने लाउंज में आके बहुत अच्छा लगता है खाजीवा, मुझे स्टेयर्स भी अपनी बड़ी पसंद है। बाहर क्या हो रहा है, चलें चलते हैं देखते हैं। जनाब अली, ओ माय गॉड, बाहर तो हो रही है बारिश और बारिश भी कितने खूबसूरत, मेरी कुदरत, बरसात का मौसम है और यहाँ पर बारिश का इम्कान है भाई। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। ये नहीं इम्कान नहीं, बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। बारिश में क्या खाने को दिल चाहता है ये बताते हैं आपको। चाह रहा है कि मैं इधर ही बैठकर कुछ लिखूं, कुछ पढूं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान में एंजॉय तो कर ही रही हूँ लेकिन अकेली हूँ। मजे की बात ये है कि बच्चे उधर हैं और मैं इस वक्त इधर पाकिस्तान में हूँ। लेकिन चले आज क्या कुकिंग करते हैं आपको बताते हैं। आज मेरे टारगेट्स क्या हैं? आज मेरे टारगेट्स हैं कि मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, इस बारिश में बाहर तो नहीं जा सकती, तो आई विल गो अप एंड डाउन। चले आप भी मेरे साथ चलिए, अंदर चलते हैं जी। मॉर्निंग का आज का मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ से शुरू होगा, दिस इज द बिगिन। इसमें मैंने इसी सिरके का एक चम्मच डाला है और अब मैं इसको अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मैं क्या दिखा रही हूँ जनाबे आली, ये कुछ और नहीं है, ये बन रहे हैं मेरे गर्मा गर्म। क्या बन रहे हैं जनाब जी? ये बन रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये मेरा फूड बन रहा है। ये मैं एक ही दफा इन चनों के शोरबे को बनाकर इसमें रखती हूँ और फिर आहिस्ता से चूल्हे पे रखा हुआ, ये देखें बिल्कुल आहिस्ता आंच पे, ताकि ये इसमें दम हो रहे हैं। इसमें मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला, बिल्कुल कुछ नहीं डाला। ये मेरा, ये देखें इसका ग्रेवी भी बन गया, ये देखें अगर आप इसको देखें। और जब इसे प्लेट में देखेंगे इसको, इसमें मैं आपको डाल के दिखाती हूँ अपने, इसमें ये देखें, इसको आपने कितना कितना भी खा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं जाहिर है थोड़ा सा अपने उसको रखूंगी अपने प्लान के मुताबिक। और ये मेरा इस वक्त का मील का एक पोर्शन बन गया है, इसको मुझे खाना है। और ये फिर मैं आपके साथ, इसके ऊपर लीमू डालें, आप कुछ भी डालें, ये मैं इसके ऊपर लीमू डाल रही हूँ ये। और इसको अच्छी तरह, ये ताजे हैं घर के ही लगे हुए, और ये इनमें, ये देखें इनमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं है लीमू, लेकिन चले मैं फिर भी इसमें डाल के। और इसके साथ सैलेड ले, कुछ भी लें, लेकिन इसको लें। और प्रोटीन भी है, ये दोनों चीजें, इसमें फाइबर भी है प्रोटीन भी है और फिर पूरी डाइट भी है, इसलिए कोई जरूरी नहीं हम बूटियां खाएं, हम वो खाएं, लेकिन हम अपना ये हेल्थी डाइट के साथ भी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। जी जी, आप परेशान ना हो, हम क्या कर रहे हैं, हम जनाबे आली कर रहे हैं इधर अपने नए स्टूडियो की पूरी सेटिंग। हमने नया फर्नीचर लिया है, नई टेबल, नई चेयर्स, नए पीछे ग्राउंड बनाई है, पूरी बैकग्राउंड, पूरी ग्राउंड नहीं बल्कि बैकग्राउंड। और देखें इधर हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं, जो कि हमारे पॉडकास्ट और हमारी कन्वर्सेशन जो होता है, हमारा जो दूसरा चैनल है, उसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, ये आप देखें। और इसके साथ हमारी पूरी टीम आई हुई है, वो काम कर रही हैं। और ये देखें हम लोग किस तरह आगे डिसाइड कर रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया को हमने कैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, और हमने क्या चीज़ें लाई हैं जो कि हमारी लिटरेरी भी हों, अदबी भी हों, और सोशल के साथ साथ आपको दिलचस्पी का सामान भी दें। तो ये भी काम चलता है, चूँकि इस वक्त आपको पता है मैं पाकिस्तान में आई हूँ, यहाँ पर मेरे बच्चे जो हमारे, ये हमारी टीम है, ये सब
हम मिलके काम करते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको इस नए स्टूडियो की ग्लिम्स हमने दिखानी थी और आपका मशवरा भी चाहिए कि हमें क्या ये टेबल रखनी चाहिए, इसके साथ ये चेयर्स अच्छी लग रही हैं, वॉल की कॉम्बिनेशन कैसी लग रही है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है और ये सब चीज़ें, और फिर इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी आपके मशवरे के साथ चलेंगे। The next day. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी जी, मैं किधर जा रही हूँ? मैं कहीं और नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ लेजर, और लेजर वाले डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आपको बताती हूँ आज मैंने करवाना क्या है, आपको सुन के बहुत खुशी होगी। कोई ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, आपको बीच में गूगल की भी आवाज़ आ रही होगी। ये भी आज की दुनिया की हमारी जरूरत है, हम गूगल के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते। तो चलें, आप भी मेरे साथ चलें, उसके बाद मैंने एक दफ्तर जाना है। कंटिन्यू ऑन MLM रोड फॉर 1 किलोमीटर। मेरा भी ऑफिस है और मेरी एक दोस्त का ऑफिस तो पूरा है, मेरा भी सेमी सेमी ऑफिस है, चलें उधर चलते हैं। मैं MM आलम रोड पर पहुंच गई अपने ऑफिस लेजर के क्लिनिक, तो चले मिलते हैं जनाब। अब देखते हैं, मुझे लगता है बड़ा अच्छा क्लिनिक रहा है एंड आई लव इट। बड़ा अच्छा इनका सेटअप है, सारा बड़ा नीट एंड क्लीन, और देखते हैं हम ये कैसा काम करते हैं, लेट्स सी। करा तो लिया है, ये देखें कुछ तो फर्क पड़ा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, लेट्स मूव ऑन टू माय ऑफिस। ये है हमारा जहाँ से मैंने भी लेजर कराया है एंड आई रियली लाइक देयर सर्विसेज, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और यहाँ पे है, अब नहीं आएंगी, डोंट वरी, एंड यू विल नॉट कम एंड आई लाइक इट। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके बच्चे, थैंक यू जी। अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस एंड लेट्स सी, 5 मिनट प्रोसेस और इसके बाद मैं अब चल रही हूँ अपने ऑफिस। जी ये हम आ गए अपने दफ्तर, वेयर आई राइट फॉर द कंटेंट, और ये हमारे बहुत खूबसूरत एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑफिस बनाया है विच इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड इट्स एज कम्पेयर टू US इज द सेम वे, आई रियली लाइक इट, दे हैव द गुड एम्बियंस। और चलें चलते हैं। अच्छा जी, हारून के आगे देख रहे हैं, सांस कितना फूल रहा था, इसलिए कि चौथी नहीं बल्कि 10वीं मंजिल है और आधे पे लिफ्ट होती है जो ख़राब होने के चांसेस होते हैं और आधे पे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। आज मैं वो सारे स्टेप्स चढ़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। ये वालेकुम अस्सलाम, ये हमारी जनाब एम्पावर्ड वुमेन। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। इधर हमारे एक और दोस्त डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब भी आए हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे भी मुलाकात होगी और फिर उसके बाद हम सब लंच करने चलेंगे। अब ये खोल दें, हम तक देख लें ये क्या क्या है, ये देखें। हाँ बिल्कुल, और क्या, हम मुकर ना सकेंगे तो बात तो आगे करें। मेरी प्यारी दोस्त साइमा आफ्ताब आई हुई थी, उनसे मिले और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद शाम को एक और बहुत अच्छे शायरी का शगफ रखने वाले नौजवान आए, और वो कोई और नहीं, वो रामेश रिजवान हैं, और वो आए फूड RLC बाबा वाले, और ये वो उनको किताब पेश की दोनों अपने दोस्तों को, और इस तरह आज इस व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं और कल इंशाल्लाह आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें जो मैंने आपसे पूछा है। अस्सलाम वालेकुम।